भारत स्काउट और गाइड के तत्वावधान में दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में बीएड प्रशिक्षकों के लिए चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने सभी प्रशिक्षुओं को तिलक लगाकर मिष्ठान खिलाकर स्काउट प्रतिज्ञा की शपथ दिलाकर स्काउट बिरादरी में शामिल करवाया। उसके बाद उन्होंने सभी टोलियों द्वारा बनाए गए टेंट एवं गेट का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि भौतिकतावादी युग में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक भावनाओं को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, परंतु स्काउट गाइड पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप छात्रों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा की आवश्यकता, सामाजिक सद्भावना, नैतिक गुणों का विकास, सर्वधर्म संभाव की भावना का बोध कराते हुए कुशल नागरिक को बनाने में अपना योगदान देती है। उन्होंने कहा, स्काउट गाइड कार्यों से हमें दूसरों की सेवा करने का भाव जागृत होता है, जो कि समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस अवसर पर दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के बीएड विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गीता सिंह, डॉक्टर शुभ्रा श्रीवास्तव, प्रशिक्षक अजय गुप्ता बजरंगी, सहयोगी प्रशिक्षक श्यामू सिंह, डॉक्टर सुभाष चंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, अगरबत्ती सबको मिल गया है, मोमबत्ती प्रतिज्ञा करेंगे तो आपके हाथ में कैंडल और अगरबत्ती है, ये बाएं हाथ है, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखिए। से सभी लोग मैं बोलूंगा, बोलिएगा, आप लोग भी दोहराइएगा स्काउट नियम। लड़कियां जहां मैं स्काउट सब बोलूंगा, गाइड बोलेंगी, ठीक है। स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट वफादार होता है, भाई होता है, स्काउट विनम्र होता है, स्काउट पशु पक्षियों का मित्र एवं प्रकृति प्रेमी होता है, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होता है, सहायक होती है, स्काउट साहसी होता है, साहसी होता है, स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। इसके बाद प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, सहायता करूंगा और स्काउट नियम का पालन करूंगा, पालन करूंगा। तिलक लगाकर आपका अभिवादन अभिनंदन किया जा रहा है। संस्थान हमने भी याद रहे कि हाँ ये इस बैच के लिए बच्चे आए थे। सैल्यूट रिसीव करेंगे सर, पे चढ़ते समय कौन सा नारा लगाया था? इनकलाब। चलो आप जाओ, आगे आगे जाओ। बताओ बनाया ये क्या है? सर ये गेट है, हमारे जीवन में कभी कोई आपदा आ गई, ठीक है, ठीक है, भाव आना ठीक है। लुक अतिथि हमारे बीच में स्वागत है श्रीमान, अतिथि हमारे बीच में स्वागत है श्रीमान, अतिथि हमारे बीच में स्वागत है श्रीमान। मेरी टोली का नाम सरदार उधम सिंह है, जिन्होंने अमृतसर हत्याकांड जो अमृतसर में संहार हुआ था 13 अप्रैल 1900 लिया था, उनका चौरी चौरा कांड में भी मतलब वहाँ से भी वो सीख दिए थे कि हमें नरसंहार को ख़त्म करना है, या फिर जिन्होंने माइकल ओडायर ने जिन्होंने गोलियाँ चलवाई थी, उन्होंने 20-21 वर्ष के बाद जाके लंदन में उन्हें गोली मारी, उसके बाद सर इसीलिए उन्हें
उससे क्या प्रेरणा ली ये बता दो, एक प्रेरणा बताओ क्या सीख लिया आपने। दूसरों पे हम आज और पुलिस का कॉल बनता सेकंड पे राम लक्ष्मी बाई और हमारी डिवीजन नंबर है एक। एक बहुत वीरांगना थी जिनके नाम से हमने अपना नाम टोली का नाम रखा हुआ है, जिनका जन्म बनारस में हुआ है और उन्होंने झांसी के राजा बाल गंगाधर तिलक से शादी की थी और उनके बहुत बड़ा योगदान हमें एक 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है जिसमें उनसे क्या प्रेरणा लेती है टीम ने क्यों नाम से क्या प्रेरणा लिया उनसे हमने ये प्रेरणा ली है कि किस तरीके से अगर हमें हमें अपने साहस और हिम्मत के बल पे किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। अकेली महिला उसी हीरोस ने कहा था कि एक मतलब पूरे 1857 की क्रांति में ही अब अकेली मर गई तो हम किसी चार यहाँ पे टोली है लड़कों की लेकिन हम किसी से कम नहीं है, हम अकेले अकेले टीम हमारी काफ़ी बहुत अच्छा परिचय दिया लेकिन बाल गंगाधर नहीं गंगाधर गंगाधर मॉडल है सर। ये क्या है? ये जूता स्टैंड है अगर आप कहीं चाहते हैं। ये क्या है? ये कपड़े के लिए कपड़ा स्टैंड है, कपड़े आप रख सकते हैं। वैसे पकड़ा हुआ है पूरे भारत में 2014 में जैसे ही बने पहला अभियान उन्होंने शुरू कराया था स्वच्छता अभियान। पूरा फंडिंग बताओ क्या है? स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत तो कहीं बनाया आपने उसका? डॉक्टर ओपी सिंह प्राचार्य दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज, ये बीएड संकाय के विद्यार्थियों को पंच दिवसीय स्काउट गाइड होता है जिसका कि डिग्री सेक्शन में आकर के रोबर्स रेंजर का रूप हो जाता है, तो ये इनके प्रशिक्षण का एक भाग होता है अनिवार्य भाग। इसमें इनको अनुशासन देशभक्ति समाज सेवा पर्यावरण प्रेम ऐसे जितने भी आज समय की आवश्यकताएं हैं और जितने भी मानवीय और नागरिक सद्गुण हैं उनके प्रति इनको संवेदनशील बनाने का प्रयास होता है। सर ये प्रशिक्षण कितने दिन चलेगा? ये आज इसका समापन है, आज 5वां दिन है, पंचदिवसीय प्रशिक्षण था तो आज कार्यक्रम के समापन का ये अवसर है। सर क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं? अब 5 दिवस में इनको नागरिकता से संबंधित, राष्ट्र प्रेम से संबंधित, संवैधानिक मूल्यों से संबंधित, लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित, पर्यावरण के प्रति सजग हम कैसे रहें, आपदा प्रबंधन के प्रति कैसे हम सजग रहें, समाज में सद्भाव और समरसता कैसे बने उसके प्रति, ये जितने भी समय की आवश्यकताएं हैं उनके प्रति इनको सजग रहने का प्रशिक्षण दिया गया।